हे गाइस, गिज़्मोडिक्ट हियर। और आज हम करने वाले एक डिटेल्ड पबजी रिव्यू रियलमी XT पर। तो आपको पता ही होगा कि बाय डिफॉल्ट ये फ़ोन स्मूथ और अल्ट्रा पे पबजी खेलता है, तो बेसिकली अप टू 40 FPS तक खेलता है। बट आज हम GFX टूल के साथ खेलने वाले और एक्सट्रीम सेटिंग्स पे खेलने वाले और देखते हैं कि ये फ़ोन 60 FPS हिट कर सकता है कि नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी रियलमी XT के GFX टूल के साथ गेम प्ले का, तो आज इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। FPS डिटेल्स, बैटरी ड्रेन, टेम्परेचर कितना जाता है, GFX टूल सेटअप कैसे करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। पर यार, अगर आप रियलमी XT खरीद रहे हो या कोई भी फ़ोन खरीद रहे हो बिग बिलियन डे सेल में या फिर अमेजोन के सेल में, तो मेरे वीडियो के स्पॉन्सर glazeding.com को चेकआउट कर लेना। इनके पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया कर्व्ड ग्लासेस है फ़ोन के लिए, तो इंडिया में अकेली ब्रांड है जिसके पास एक्चुअल 2.5D कर्व्ड ग्लास है फ़ोन के लिए। तो ये एक रियल H2H ग्लास है, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ग्लास है इनके सारे फ़ोन्स के। मैं रियलमी XT पर भी इनका ही ग्लास यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको इनके ग्लास को खरीदना है तो इनकी वेबसाइट पे जाइए, प्रोमो कोड गिज्मो भी यूज़ कीजिए ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। सर, अभी हम खेल रहे हैं स्मूथ और एक्सट्रीम सेटिंग्स पर GFX टूल के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि GFX टूल इनेबल करने के बाद भी हम 60 FPS हिट नहीं कर पा रहे। तो अगर आप क्राउडेड एरियाज में लैंड कर रहे हो, जैसे कि रॉजहॉक है, पोचिंगी है, जॉर्जोपोल क्रेज से कोई हॉट ड्रॉप कर रहे हो आप, तो आपका FPS एकदम से 30-40 के बीच में चला जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बैरली 30s और 40s में FPS है, और कभी कभी एक्चुअली 20s में भी गया था। तो जब बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे लोग हैं आसपास, फायरिंग हो रही है, तो आपका FPS 30s में रहने वाला है, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। ये 50 के ऊपर तभी जाता है जब गेम में कुछ नहीं चल रहा है, आप खाली लूट रहे हो, आसपास कोई भी नहीं है, बेसिकली जीरो लोग हैं आसपास, तभी ये 50s के ऊपर जाता है। तो इसका ऑनेस्टली उतना कुछ पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि जैसे ही आप कोई फाइटिंग सीन में आ जाते हो या फिर अगर आप ड्राइव कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो इंस्टेंटली ये 30s और 40s में ही आ जाता है। तो उतना कुछ पॉइंट नहीं लगा मुझे GFX टूल इनेबल करने के बाद। बट फिर भी यार, अभी आप गेम प्ले देखो, हम बाद में दूसरी चीज़ों की बात करते हैं। Thank you.
इसके बाद मैंने सोचा कि चलो स्टॉक सेटिंग्स पे खेल लेते हैं जैसे कि स्मूथ और अल्ट्रा और देखते हैं कि डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर मुझे गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगा क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम आप 40 FPS तक ही जा सकते हो, तो जो FPS ड्रॉप होता है वो उतना नहीं होता, ये 40 से जाके 30s में जाएगा। और एक्सट्रीम पे क्या होता था कि ये 50-55 से सीधा 30-40 पे आ जाता था, तो आपको वो स्टटरिंग वो थोड़ी सी लैग देखने मिलती थी, बट यहाँ पर आई थिंक गेम प्ले ज़्यादा स्टेबल है। तो मेरे हिसाब से आपको स्मूथ और अल्ट्रा पे खेलना चाहिए क्योंकि एक्सट्रीम इनेबल करके उतना कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा, फालतू में आपको थोड़ी सी स्टटरिंग देखने मिलेगी। तो मेरे हिसाब से स्मूथ और अल्ट्रा पे खेलो, GFX टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको गेम प्ले रिकॉर्ड भी करना है तो वो भी अच्छी तरह से कर सकता है। तो आप देख सकते हो अभी स्मूथ और अल्ट्रा पे रिकॉर्डेड गेम प्ले है ये फ़ोन पर, तो उससे भी FPS उतना अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छे से गेम प्ले खेलना है तो स्मूथ और अल्ट्रा पे खेलना। पर हाँ यार, ओवरऑल मेरे हिसाब से रियलमी XT का PUBG परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। अगर आप इसे दूसरे फ़ोन से कंपेयर करें जैसे कि Redmi Note 8 Pro या फिर अपना Redmi K20, तो वो सारे फ़ोन्स बेटर परफॉर्म करते हैं PUBG में इसके कंपैरिजन में। तो PUBG आपकी प्रायोरिटी है तो प्रॉबेबली K20 ले लो या फिर Note 8 Pro के लिए वेट करो। मुझे नहीं लगता कि रियलमी XT से उतना सेंस बनता है अगर आप एकदम हार्डकोर PUBG प्लेयर हो तो। अगर आप नॉर्मली खेलते हो आपको उतना कुछ FPS की उतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं तो आप खरीद सकते हो, फिर भी एक अच्छा फ़ोन है। बट अगर आपको सीरियस PUBG खेलने और 60 FPS जैसा परफॉर्मेंस चाहिए, आपको एटलीस्ट 45-50 FPS का परफॉर्मेंस चाहिए, तो मेरे हिसाब से K20 ले लो, उसमें GFX टूल इंस्टॉल कर लो या फिर Redmi Note 8 Pro के लिए वेट करो, या फिर Realme का खुद का फ़ोन आ रहा है XT730G तो उसके लिए वेट कर लो। पर हाँ, Realme XT पे PUBG ठीक ठाक चलता है, जो बाकी फ़ोन ये सेगमेंट में उसके कंपेरिजन में ही चलता है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। अगर हम कुछ दूसरी चीज़ों की बात करें जैसे कि टेम्परेचर्स, तो GFX टूल के साथ मैंने मैक्सिमम टेम्परेचर देखा था 43 डिग्रीज, जो कि काफ़ी नॉर्मल चीज़ है। जब भी आप GFX टूल यूज़ कर रहे हो, एक्सट्रीम फ्रेम रेट पे फ़ोन को पुश कर रहे हो, तो फ़ोन हीट होना ही है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से बराबर है। 43 डिग्रीज उतना हाई नहीं है क्योंकि Redmi K20 तो 46 डिग्रीज पर चला गया था, तो नॉट अ प्रॉब्लम विद 43 डिग्रीज। और अगर हम बैटरी ड्रेन की भी बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये फ़ोन ने 1.5 घंटे में 30% बैटरी डाउन की थी, तो मेरे हिसाब से नॉर्मल है बैटरी ड्रेन काफ़ी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1 घंटे में 20% कम हुई, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी नॉर्मल है कंसिडरिंग हम GFX टूल के साथ भी खेल रहे थे, तो 20% बैटरी ड्रॉप इज़ वेरी नॉर्मल। तो मेरे हिसाब से बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम नहीं है, ओवरहीटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सारी चीज़ों की चिंता मत करना। उसके बाद अभी हम बात करते हैं कि GFX टूल सेटअप कैसे करें। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहीं से GFX टूल डाउनलोड करना, कोई और डाउनलोड करोगे तो शायद आप बैन हो जाओगे। ये काफ़ी सेफ GFX टूल है, तो एक बार डाउनलोड कर लो, APK इंस्टॉल कर लो, फिर आपको वेरिएंट में ग्लोबल वेरिएंट सेलेक्ट करना है, रेजोल्यूशन में 1280x720, उसके बाद आपको स्मूथ सेलेक्ट करना है, एक्सट्रीम सेलेक्ट करना है और MSAA ऑफ करना है। इसी के साथ यहाँ पर आपको गेम को लॉन्च कर देना, और उसके बाद आपके पास स्मूथ और एक्सट्रीम का ऑप्शन होगा। बट जैसे कि पहले मैंने कहा, स्मूथ एक्सट्रीम इनेबल करके कोई मतलब नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ही खेलो, GFX टूल और ये सब इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उतना कुछ परफॉर्मेंस बूस्ट आपको नहीं मिलता। बट एनीवेज यार, यही था मेरा डिटेल्ड PUBG रिव्यू रियलमी XT पे। अगर आपके पास अगर कोई भी सवाल है तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट्स में पूछो, या फिर आप मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज पर भी पूछ सकते हो। मैं रियलमी XT के और बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, K20 के साथ कंपैरिजन है, Note 8 Pro के साथ कंपैरिजन है, GCam वीडियो है, तो ये सारी चीज़ें आने वाली है। तो अगर आपको ये सारे वीडियोस मिस नहीं करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस में वापस आऊँगा। थैंक यू।